जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। तो दोस्तों भी दोस्त इंडियन आर्मी 2023-24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन हमारे यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो आप लोग दोस्तों जुड़ जाएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन आज के स्क्रीन पर दोस्तों आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जो कि प्रसिद्ध है। आपको इसका आंसर दोस्तों करना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है बाघ, बी गैंडा, सी पक्षी, डी आपका हाथी। तो प्यारे मित्रों इसका आंसर करें। क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा, आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे आप लोग बांधवगढ़ जी किससे संबंधित है, तो टाइगर से संबंधित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला भी आपका प्यारा सा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, जो कि आपका ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, भूपेन हजारिका, मोहम्मद इकबाल, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोस्तों कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर दो का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर क्या रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या किया था कि भारत का भी राष्ट्रगान जो कि लिखा था, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। इनमें से आपको बताना है कौन सी नदी जो कि अरब सागर में मिलती है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, या फिर दोस्तों नर्मदा, या फिर मेरे लाडलों नर्मदा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि आपका अरब सागर में मिलती है कौन सी नदी, तो आपकी नर्मदा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस जो कि किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 सितंबर, 25 जून, 5 सितंबर, या फिर 8 अक्टूबर, या फिर दोस्तों 8 अक्टूबर। प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा शिक्षक दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा जो कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, आपको वो बताना है। दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, या फिर चेन्नई है, या फिर चेन्नई है। तो दोस्तों अगर बात करें कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पे दिल्ली होगा। अगर आपसे जनसंख्या के दृष्टि में पूछा जाए, तो आपका मुंबई होगा। फिलहाल यहाँ पे तो कोई पूछा ही नहीं गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका दिल्ली, आपका यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका यहाँ पे राइट आंसर माना गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि यातायात संकेत में जो कि हरी बत्ती क्या होती है, हरी बत्ती जो कि क्या होती है, धीरे चलो, रुको, या फिर तेज़ी से चलो, या फिर चलो, या फिर दोस्तों चलो। तो क्या होता है कि जब लाल बत्ती आप लोग देखते हैं, लाल बत्ती जलती है, यानी कि स्टॉप, यानी रुको, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे जब पीली हो जाती है, तो आप लोग जो कि तैयार हो जाओ, आप लोग याद रखेंगे तैयार रह जाओ। और आपका यहाँ पे हरी बत्ती जब जलती है, तो क्या होता है, जब हरी बत्ती दोस्तों जलती है, तो आराम से धीरे धीरे जो कि आप चलने लगते हो, तो क्या होगा, गो टू गो स्लो, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे परफेक्ट आंसर रहेगा। आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, छोटा पक्षी आपको बताना है। विच इज द जो कि स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, अल्बट्रोस, हमिंग बर्ड, शुतुरमुर्ग, या फिर मोर, या फिर मोर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि आपका क्योंकि विश्व का सबसे छोटा जो कि क्या होगा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड जो कि आपका राइट आंसर रहेगा, बी हमिंग बर्ड जो कि आपका हमिंग जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। अगला अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था। लास्ट आपको युद्ध बताना है कौन सा है, कलिंग का युद्ध, कालीकट का युद्ध, पंजाब का युद्ध, या फिर पलासी का युद्ध, या फिर दोस्तों पलासी का युद्ध। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा कि राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़े था, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कलिंग का युद्ध, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बैटल ऑफ कलिंगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, दादा साहब जो कि अवार्ड है उसको प्राप्त करने वाली पहली जो कि महिला कौन थी।
नरगिस दत्त, उमा देवी, सुलोचना या फिर देविका रानी, या फिर दोस्तों देविका रानी, सभी दोस्त एक बार सेशन को प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपका देविका रानी। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा 1969 में, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बच्चे की धार्मिक किताब जो कि भगवद गीता है, भगवद गीता किसने लिखी थी, कितने लिखी थी। ऑप्शन ए है कालिदास, वाल्मीकि, सूरदास या फिर आपका वेद व्यास, या फिर दोस्तों वेद व्यास। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका कि धार्मिक पुस्तक भगवद गीता किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का यानी कि क्या होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कराते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे कि उपराष्ट्रपति अपना संबोधन किसको कराते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जो कि आपका राष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत रत्न के तमगे का डिजाइन जो कि किसके पत्ते के समान होता है, कि भारत रत्न का जो कि तमगा होता है जो कि बरगद, पीपल, चंदन या फिर केला। तो यहाँ पे देखेंगे पीपल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्या राइट आंसर आपका रहेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आपका ऑप्शन ए राकेश शर्मा, रवि शर्मा, विनोद शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए ओ ह्यूम, ऑप्शन ए ओ ह्यूम, सी राजगोपालचारी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर डब्ल्यू सी बनर्जी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू सी बनर्जी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वुलर झील किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेशन है आपका बी जो कि सामान्य विज्ञान का दोस्तों है, तो क्वेश्चन नंबर जो कि 16 क्या होगा, प्रतिरोध का आपको मात्रक पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन ए है कूलम, एम्पियर, ओम या फिर वाट, दोस्तों यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका कि प्रतिरोध का मात्रक क्या, तो ओम आप लोग याद रखेंगे, आपका यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 24 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर रहेगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कॉमन सैलेट, KCl H2O Ca या फिर NaCl। ये NaCl, तो आपका राइट आंसर रहेगा NaCl आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, या फिर दोस्तों ऑक्सीजन। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष या फिर आपका जो कि क्या होगा समुद्री मील या फिर समुद्री मील। तो राइट आंसर रहेगा आपका प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आपका पूछा गया है, टेलीविज़न, बल्ब, कंप्यूटर या फिर रेडियो, या फिर दोस्तों रेडियो। तो यही राइट आंसर रहेगा आपका बल्ब, जो कि क्या होगा इलेक्ट्रिक यंत्र है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो आपका बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो आपका ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन या फिर प्रोपेन। तो राइट आंसर आपका रहेगा मीथेन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि
डेसिबल में, जूल में, घंटे में, या फिर मीटर प्रति सेकंड में, या फिर मीटर प्रति सेकंड में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी कमी से आपको बताना है कौन सा रोग होता है। पेलाग्रा, स्कर्वी, रतौंधी, या फिर घेंघा रोग, या फिर दोस्तों घेंघा रोग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा कि शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे स्कर्वी रोग होता है, यानी कि आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। हवा में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत जो कि आपका होता है, 21%, 46, 78, या फिर 31%, या फिर 31%। तो सभी का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका 21%, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा होता है। आंखों का रंग कैसा होता है, नारंगी, लाल, नीला, या फिर पीला, या फिर पीला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, पीलिया रोग से ग्रसित जो कि आंखों का रंग कैसा होता है, सभी को पता होगा पीला होगा, जब आंखें आपकी क्या होंगी, पीली। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था। इससे सरल कोई क्वेश्चन आज की क्लास में हो ही नहीं सकता है दोस्तों, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, लोहा। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कॉपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों क्या होगा कि हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है। ध्वनि की गति कितनी होती है, 350, 330, 332, या फिर 211, 211 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, 332 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का होता है। सिल्वर, कॉपर, लेड, या फिर नाइक्रोम, या फिर नाइक्रोम। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नाइक्रोम आपका करेक्ट आंसर दोस्तों रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है। पीला, हल्का हरा, लाल, या फिर बैंगनी। होमवर्क का दोस्तों क्वेश्चन है, आप लोग इसका ऑफलाइन कमेंट में करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।